हाय फ्रेंड, वेलकम अगेन इन नोज केयर अवेयरनेस प्रोग्राम माय नोज माय लाइफ। जैसा लास्ट टाइम अपने हमने डिस्कस किया था कि क्या नोज़ की प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, एंड कब नोज़ के जो डॉक्टर हैं उससे कंसल्ट करने की ज़रूरत है। टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ वी इन्वेस्टिगेट द नोज प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी ट्रीट। कैसे जो नोज प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कैसे उसका डायग्नोसिस बनाया जाता है एंड कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। जो हमने लास्ट टाइम नोज की जो प्रॉब्लम का डिस्कस किया था, लाइक नेजल ब्लॉकेज, नाक से डिस्चार्ज आना, फाउल स्मेलिंग होना, हेडेक होना, अगर ये सब पेशेंट प्रॉब्लम लेके कोई डॉक्टर के पास जाता है तो एक डॉक्टर जो उसका एक दो कॉमन इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो उसके लिए किया जाता है। वन इज नेजल एंडोस्कोपी। बाय नेजल एंडोस्कोपी, एक एंडोस्कोप है, उसके द्वारा वी कैन विजुलाइज द इंटीरियर ऑफ द नोज ऑन ए मोनिटर। यानी जो नोज़ के जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो अपन जो टीवी या मोनिटर पे देख के एंड अपन जो है वी कैन मेक ए डायग्नोसिस कि नोज़ में कोई मास बना हुआ है, डीएनएस है, हड्डी टेढ़ी है, या क्या कारण से नोज़ के अंदर प्रॉब्लम है। अनदर इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस जो नोज़ के रिगार्डिंग किया जाता है वो एक है सीटी स्कैन ऑफ पीएनएस, सीटी स्कैन ऑफ पैरानेजल साइनस। उसमें क्या है कि एक सीटी स्कैन एक प्रकार का एक डिफरेंट एक एक्सरे हैं जो नोज और साइनस से, जिससे अंदर की जो नोज की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, जो साइनस की जो 3D स्ट्रक्चर है, सो अपन पता लगा सकते हैं और उससे उसके अंदर साइनस के अंदर कोई पैथोलॉजी है, कोई मास बना हुआ है, या अंदर कोई स्वेलिंग है, या अंदर कोई फ्लूड भरा हुआ है, ये सब चीज़ का डायग्नोसिस सीटी स्कैन पीएनएस से पता चल सकता है। सो दीज टू इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस नेजल एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, पैरानेजल साइनसेज हैं जिससे अपने को नोज़ की पैथोलॉजी के बारे में पता लगाया जाता है। अदर वन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस ऑल्सो एलर्जी प्रोफाइल टू द पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी कंटिन्यू प्रॉब्लम रहती है तो एक एलर्जी प्रोफाइल की जांच भी उसकी कराई जाती है, बाय विच वी कैन सेग्रीगेट द थिंग्स कि कौन कौन सी चीज़ से उस पेशेंट को उसे एलर्जी है और वो चीज़ों का वो अपनी दैनिक जीवन में अवॉइड कर सके। और अगर ये पता लग गया कि मेरे को पर्टिकुलर इन चीज़ों से एलर्जी है तो उस चीज़ की आजकल एक इम्यूनोथेरेपी भी बनती है, जिससे उस इम्यूनोथेरेपी से उसकी एक वैक्सीन दी जाती है, जैसे छोटे बच्चे को एक पोलियो की ड्रॉप दी जाती है और उस पोलियो की ड्रॉप से उसको लाइफ लॉन्ग जो है उसको इम्यूनिटी मिलती है। ऐसे ही उसकी वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड की जाती है जिससे उसको लाइफ लॉन्ग के लिए आगे उसकी डिजीज़ का प्रिवेंशन होता है। सो ये तीन इन्वेस्टिगेशंस इम्पोर्टेंट हैं उसको डायग्नोसिस करने के लिए। नाउ द ट्रीटमेंट पार्ट, कैसे जो है वो नोज़ की जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट किया जाए। सो फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट दो तरीके से नोज़ की जो डिजीज़ है उसको ट्रीट कर सकते हैं, आइदर द सर्जिकल और आइदर द कंजर्वेटिव थ्रू द मेडिसन। लाइक इफ ए पेशेंट हैव द प्रॉब्लम रिगार्डिंग नेजल ब्लॉकेज और उसके डायग्नोसिस में आया उसकी नोज़ का डीएनएस है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, सो उसको एक एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से उस जो टेढ़ी हड्डी है, जो डेविएटेड बोन है, उसको क्या है स्ट्रेट मिडलाइन में कर दिया जाता है, जिससे दोनों तरफ का जो सांस लेने का जो स्पेस है वो क्लियर हो जाता है। एंड इसमें कहीं बार से कोई ऐसा चीरा या ऐसा पट्टी ऐसा नहीं होता, द प्रोसीजर इज टोटली एंडोस्कोपिक। सेकेंड, अगर किसी पेशेंट के अंदर साइनस में प्रॉब्लम है, सो उसके साइनस में पॉलिप्स है, पानी भरा हुआ है और मेडिसिन से ट्रीट नहीं हुआ, तो उसको लिए एक सर्जरी होती है जिसको फेस बोलते हैं, FESS, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। सो सीटी स्कैन की सहायता से और एंडोस्कोप के माध्यम से उस साइनस की जो ब्लॉकेज है, उसमें जो डिजीज है, उसमें जो फ्लूड है, उसको क्लियर करके जो साइनस का नॉर्मल फंक्शन है उसको वापस गेन किया जाता है। सो ये
एक साइनस सर्जरी होती है जिससे उसको ठीक किया जाता है। एंड समटाइम्स पेशेंट हैव द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक इश्यू एंड द फंक्शनल बोथ। पेशेंट कहता है, ओ डॉक्टर, आई हैव द नेजल ब्लॉकेज एंड आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेप ऑफ द नोज। उसको जो पेशेंट को उस नोज की सेप और साइज के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम होता है। सो उसको जो करेक्ट करने के लिए एक राइनोप्लास्टिक प्लास्टिक सर्जरी होती है जिसके माध्यम से वी कैन रीसेप एंड रीसाइज द नोज अकॉर्डिंग टू योर द फेशियल हारमोनी, जो अपने फेस के हिसाब से उस नोज को रीसेट और रीसाइज किया जाता है। लाइक मे बी द पेशेंट हैव द प्रॉब्लम, लाइक नाक टेढ़ा हो सकता है, नाक पे बम्प हो सकता है, नाक पे डिप्रेशन हो सकता है, ठीक, नोज ड्रूपी हो सकता है, नाक ब्रॉड हो सकता है। दीज ऑल आर द कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। सो इन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के साथ अगर उसको ब्लॉकेज भी है, उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम है, सो ही हैव द कॉस्मेटिक एंड द फंक्शनल प्रॉब्लम। सो दिस बोथ प्रॉब्लम कैन करेक्ट बाई राइनोप्लास्टी सर्जरी। सो उस राइनोप्लास्टी सर्जरी में वी ओपन द नोज, डिग्लोविंग द नोज थ्रू ए स्मॉल इंसिजन, या बाहर से कहीं कोई इंसिजन या बाहर से चीरा नहीं लगता। सो वी कैन करेक्ट द इनर नोज फ्रेमवर्क, सो वी कैन करेक्ट द ब्लॉकेज प्रॉब्लम एंड कॉस्मेटिक जो भी पेशेंट का है वो राइनोप्लास्टी के माध्यम से ठीक किया जाता है। थर्ड जो ट्रीटमेंट का तरीका है कि पेशेंट को कोई सर्जिकल उसमें कोई डायग्नोसिस नहीं बनता, तो पेशेंट अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है तो एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो मेडिसिन के माध्यम से ठीक किया जाता है, जिसमें क्या है उसको पहले उसके जो सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल किया जाता है एंड देन आफ्टर वी विल गिव सम मिनिमम मेडिकेशन टू प्रिवेंट द रिकरेंस, कि उसकी बार बार उसको वो प्रॉब्लम नहीं हो, वो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसके माध्यम से क्या है कि पेशेंट्स उसको धीरे धीरे कंटिन्यू लेता है और उसको धीरे धीरे टैपर किया जाता है जिससे उसको आगे जो है वापस बार बार वो प्रॉब्लम नहीं हो और उसको जो है अपनी जो नेजल जो हाइजीन है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि नोज़ में बार बार फिंगर नहीं देना, अवॉइड द स्मोकिंग, अवॉइड द एल्कोहल, अवॉइड द मोर कैफीन। सो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करें नोज़ के अंदर, डोंट प्लक द हेयर्स, जो बाल हैं वो नहीं तोड़े। सो ये उसके ट्रीटमेंट के वे हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम नोज़ के जो अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, नोज़ केयर अवेयरनेस प्रोग्राम है, माई नोज़ माई लाइफ, फिर मिलेंगे नई चीज़ लेके एंड आई होप ये जानकारी आपके लिए जो है यूज़फुल होगी एंड नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू।